करते क्या हैं? इतने करो भाई, कैसे बता। अरे क्या करते हैं यार, आधे चढ़ गए आधे रह गए। उतरो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यात्रा प्लस रामलाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय मैं हूं ग्वालियर में, यानी कि ग्वालियर स्टेशन के पास में, और आज हमारी जो यात्रा है ना वो होने वाली है ग्वालियर से पूना के बीच। दोस्तों ग्वालियर जो संगीत शौर और वीरता के लिए मशहूर है, तो दोस्तों ये ग्वालियर शहर मानसिंह तोमर और मृग नैनी की गौरव गाथाओं के साथ ही तानसिंह की, संगीत सम्राट तानसिंह की जन्मस्थली भी रहा है। दोस्तों ये शहर अपने आप में अद्भुत रहा है, यहाँ की अपनी गौरव गाथाएँ हैं, मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सूफी संतों के लिए ये शहर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, और महाराजा राजा सिंधिया ने इस स्थिति में सबसे पहली बार छोटी नेहरू रेलवे लाइन बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, जो कि एकदम स्टेशन के देखिए। यह है ग्वालियर लाइट, देखिए भाई ये लिखा है ग्वालियर लाइट रेलवे का प्रथम छोटी लाइन 2 फुट स्टीम इंजन निर्मित, संचालित वर्ष 1895 निर्मित द्वारा मेसर्स शेयर स्टुअर्ट एंड कंपनी लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम, लागत 30,600। तो भाई मैं आपको लिए चलता हूँ आज ग्वालियर से, जिसका कोड है GWL से पुणे PUN, और ट्रेन है हमारी 12780 हज़रत निजामुद्दीन वास्को डिगामा गोवा एक्सप्रेस। तो दोस्तों फिलहाल तो हमारे ट्रेन का यहाँ आने का जो समय है ना वो है 8:32 और पुणे पहुँचने का समय है अगले दिन शाम को 4:55 पर, यानी 20 घंटे यानी कि 1283 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे 28 मिनट में तय कर सकते। फिलहाल तो हमारी जो ट्रेन है भाई ना वो लगभग 3-4 घंटे लेट है, दिल्ली से 3:15 पर छुट्टी हजरत निजामुद्दीन से, यहाँ 8:32 पर पहुँची है। दिल्ली से आज ये ट्रेन छूटेगी 6:40 पर, और अभी बज रहा है शाम को 5:20 लगभग। तो भाई मान लिए कि 11 के आसपास हमारी ट्रेन आएगी, तो हमारी जो यात्रा है ना भाई टिकट कन्फर्म नहीं हुई और RAC में होने वाली है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी गाड़ी आएगी रात के 10:45 11:00। जब तक करना है इंतज़ार। दादा एक बिस्किट दो ना। कितने वाला? 10 वाला। भाई ठीक है, खाते हैं बिस्किट तब तक। तो भाई हमारी ट्रेन के आने का जो सिग्नल है ना हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है। इस समय रात के 12:50 हो रहे हैं, 8:32 पर आने का समय है, यानी कुल मिला जुला करके आते आते ट्रेन के 1 बज जाएगा। भाई चलते हैं, यस 763। भाई साहब उठिए, देखो यार पंखा भी चालू हो गया क्या। तो भाई देखिए सब लोग सो रहे हैं, ट्रेन एकदम फुल है और रात के 1 बज गए। उतरना क्या? अरे यार अब क्या उतर पाएंगे आप। आई आई आई।
जा रही है घर पर रुकेगी। कहाँ पे? घर पर सीधा झांसी रुकेगी ये। अरे सीधा झांसी। रात को बज गया है एक और हम मिलेंगे आपसे कल सुबह जहाँ कहीं नींद खुलेगी फिर तो वहाँ बात करते हैं, वहाँ से आगे हमारा जो हमारी आपकी मुलाकात है ना होगी। आपकी सत्यवाणी रुकेगी, दो मिनट के लिए रुके। अरे ऐसे करते क्या हैं? ऐसे करो भाई। कैसे बता? जैसे उतरते हो भाग के। आपको उतरना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अरे तो नहीं आता है तो मत उतरना। नहीं आता है तो मत उतरना। अगर दौड़ के उतरना आता है तो उतरना, नहीं तो नहीं उतरना भाई। ऐसे नहीं उतरना, देखो स्पीड हो गई। हमें लगा कि आप उतरना जानते हो गए यार। अरे बाप रे, अरे बाबा ये गलती नहीं करना, छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं उतरते यार, हमें लगा कि ये करने जा रहे हैं जैसे। हाँ जैसे उतरते हैं ना वो आप जानते ही नहीं है। नहीं। अरे बाप रे भाई, वो गलती से भी नहीं उतरना है ना। सही हो भाई ना, गलती से भी ये काम नहीं करना। इतने में तो उतरने वाले उतर गए होते, ऐसी गलती से भी नहीं उतर। सीधा नीचे जाते थे, पिछले ट्रेन से नीचे आप सबसे नीचे चले जाते थे। तो दोस्तों नमस्कार, सुबह हो गई, गाड़ी साढ़े चार घंटे लेट चल रही है और भोपाल क्रॉस करके ब्रांच कपड़ा स्टॉप है नहीं। और अब यहाँ से ब्रांच कपड़ा फिर गाड़ी निकलिए। एक भाई साहब उतर रहे थे, गलती से चढ़ गए थे, फिलहाल तो रोक दिया गया। ये बात उतर जाएंगे तो ठीक है, गाड़ी उतर जाए। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई इटारसी, जिसका कोड है ET। दोस्तों हमारी इस ट्रेन का यहाँ पहुंचने का जो समय है ना वो है रात के 2:45 पे और छुट्टी है 2:50 पे। 8:10 पे पहुँचे हैं। ठंड बहुत है, हाल देख रहे हैं। इस तरफ तो फिर भी मौसम सही है, सामान्य है, ओस कोहरा वगैरह नहीं है। तो भाई जो चाय पीते हैं और उसके बाद में यहाँ से दिखाते हैं आपका ट्रेन का डिपार्चर। और ये सामने खड़ी है भाई 127/16 जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस। दोस्तों ठंडी है इस तरफ, तो देखिए यहाँ धूप निकल गई है। आपने एक गाना सुना होगा महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, कि उतरो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उतरो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
गाना ये आना, ये गाना चाहिए पुत्रों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना ये आना, ये गाना चाहिए। तो भाई ठंडी का मौसम है, नहाइए। और हाँ दोस्तों, यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल है आवाहन रामलाल, जी हाँ आवाहन रामलाल, जो कि लोकगीत का चैनल है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को भी कृपया देखिए, मेरे गाने को सुनिए, समसामयिक मुद्दों पर आधारित गाने हैं। और इसलिए आशा करता हूं कि आप सब उस चैनल को मेरे ज़रूर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मेरा वो चैनल ग्रो हो जाए और उसके भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाए और उसमें मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे गाने लेकर के आऊँ। भाई आप बाहर निकलते हैं ना ठंडी के मौसम में, वो एकदम टाइट होके रहिए, नो हीरोगिरी नहीं भाई, एकदम नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं लेने के देने पड़ सकते हैं यार। तो सफ़र का आनंद ठंडी में लीजिए, घूमिए, लेकिन पूरे इंतजाम के साथ। मोजे तो भैया दस्ताने ज़रूर रखिए, वैसे हमारे हाथ में है नहीं दस्ताना, हमारे हाथ में नहीं है यार, मैंने लिया नहीं, मोजा लिया था वो भी भीग गया तो छोड़ दिया यार, पैर एकदम ठंडा हो गया था, ऐसा हो गया था कि क्या बताएं भाई, पैर तो एकदम ग्वालियर में ज़मीन पर रखने के लिए नहीं हो रहा था, इतनी ठंड लग गई थी पैर में। फिर भी अभी खड़े हूँ, रात एकदम कंबल में दबा के सो गया था, सही हुआ, सुबह गर्म हुआ, अभी फिलहाल धूप गर्म है, सूर्य भगवान एकदम अच्छे से आ गए हैं, रौनक भी देखिए। तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य, आसमान साफ है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई हरदा, जिसका कोड है HD। तो दोस्तों यहां पर कुल 3 प्लेटफार्म है, यहां पे इसका स्टॉपेज है दोस्तों केवल 2 मिनट का। वैसे तो दोस्तों इसके यहां मूल रूप से पहुंचने का जो समय है ना वो है 12:30। वो कहाँ से चढ़ेंगे? नहीं चढ़े। ऐसे कैसे कद्दा करता है तू? अभी चलो, अभी खड़े रहो, अगले स्टेशन पे उतरना, इटारसी में। अरे ये क्या है? खंडवा। पीछे वाली ऐसे नहीं चढ़ने का, अभी चलती हुई ट्रेन से अकेले चढ़ गया और बाकी सब पीछे रह गए, भाई लोग छोटे छोटे पागलों जैसे काम करते हो। तो ऐसे तो हैं भाई छोटे बच्चे लोग ले करके और दौड़ दौड़ करके ट्रेन चढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई खंडवा, जिसके यहाँ पहुंचने का समय है 6:58 और 2 मिनट का स्टॉप है, 7 बजे छूटते हैं यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों कुल 6 प्लेटफार्म है, एक प्लेटफार्म नया बना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ से आपको अकोला रतलाम जबलपुर मुंबई भुसावल इत्यादि के लिए ट्रेन यहाँ से आपको मिल जाएगी।
क्या हुआ, उतरे नहीं? उतरे नहीं, उतरे नहीं, नहीं आ गए बस आ गए। अच्छा उसको पहले पीछे वाली ट्रेन आगे। हाँ उसके पीछे वाली ट्रेन की क्या फायदा? सही भाई, सही बात। अच्छा भाई लेकिन इस तरह की गलती नहीं किया करें आप लोग ना, ये इसको भी चढ़ा रहे थे इसको, हम तो चढ़ गए थे इसके। अरे इसके चक्कर में गाड़ी जब चल गई थी तो आप लोग ने चढ़ना शुरू किया था मालूम है, और इसको वो तो आ गया, पकड़ लिया उसको, मैंने पकड़ा था ना, आ गया। और ये इसको भी चढ़ाने के चक्कर में पड़ गए कि ये इसको भी तो ले दें। हम आगे वाले डिब्बे में चढ़ गए, हम भैया जब उतर गए तो हम भी उतर गए। ऐसा बाबू गेट भी ऐसा नहीं करने का बेटा, ऐसा नहीं करना, ट्रेन दूसरी मिल जाएगी, ट्रेन दूसरी मिल जाएगी, ये गलती नहीं करने का कभी। जिंदगी मिलना एक रास्ता है, जाने का बहुत रास्ता है। और भाई भोजन हो रहा है? भोजन भाई आइए पेंट्री की चाय पीते हैं और देखते हैं कि इनकी पेंट्री की चाय कैसी बनी है। भाई चाय तो बहुत बेकार है, मतलब सिर्फ पानी है। आपको कैसी लग रही है चाय? खास नहीं है ना। कैसे है ये? 120। और ये कैसे है? हाँ भाई ये कैसे है, ये कैसे है? सब 120। ये भी 120, ये भी 120। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई भुसावल, जिसका कोड है BSL। और इस ट्रेन के दोस्तों यहां पहुंचने का समय है 8:45 और 5 मिनट का स्टॉप है यहां, 8:50 पे छोड़ी जाती है। 1:15 पे पहुंची है, यानी 4:20-30 लेट पहुंची है। तो दोस्तों इस भुसावल स्टेशन में कुल 9 प्लेटफार्म हैं, और यहाँ से आपको नागपुर, जबलपुर होते हुए, जबलपुर सतना कटनी होते हुए इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली ट्रेन में, चेन्नई के लिए गाड़ियाँ, भुसावल नागपुर के लिए गाड़ियाँ, भोपाल के लिए गाड़ियाँ, और सूरत के लिए भी ट्रेनें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपकी यात्रा सफल एवं सुखदायक हो। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई जलगांव, जिसका कोड है JL। तो दोस्तों यहां से फिलहाल तो हमारी ट्रेन 9:23 पर यहां पहुंचती है, फिलहाल तो लेट है करीब 4:30। तो यहां से दोस्तों आपको भुसावल, नागपुर, जबलपुर, भोपाल और पुणे के साथ साथ ट्रेनें तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ आपको यहां से उधना यानी सूरत के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। आ जाओ। डर अंदर है इसको खाने। तो भाई हमारी ट्रेन चल पड़ी है
बचकर 54 मिनट। यहाँ इस ट्रेन के पहुँचने का जो समय है 9:23 पे, 2 मिनट का स्टॉप है, 9:25 पे छूट जाती है। आपने देखा ना किस तरह से 2 मिनट का एक तो स्टॉप है। आप इस तरह से अगर चलेंगे, रुकेंगे और दौड़ करके चढ़ेंगे तो कैसे जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जहाँ पे गाड़ियों का स्टॉप 2 मिनट का है, सोच समझ के उतरिए, सामान लीजिए और तुरंत चढ़ जाइए। भुसावल में भी कुछ लोगों ने ऐसे किया था, एक भाई ने तो दोनों हाथ ट्रेन चल गई, दोनों हाथ में बस पकौड़े का प्लेट लेकर के वो चढ़ रहे थे, गिरते गिरते बचे। ये गलती भाई देखो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। यात्रा हो, यात्रा का आनंद लीजिए, सफ़र करते हैं, सफ़र में परेशानियां तमाम हैं, खाने पीने की कठिनाई तो रहती ही है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ खराब लगता है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई मनमाड़, जिसका कोड है MMR। दोस्तों इस ट्रेन के यहाँ पहुंचने का जो समय है वही 11:15 पे, 5 मिनट रुकती है, 11:20 पे छूट जाती है। और यहाँ पे दोस्तों कुल 6 प्लेटफार्म है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से जो हमारी ट्रेन है वो मनमाड़ जंक्शन से चली जाएगी दौंड की ओर, यानी पूना की ओर, जो पूना चेन्नई मेन लाइन से होते हुए दौंड चोड़ होते हुए पूना चली जाएगी। और दोस्तों यहाँ से आप मुंबई और भुसावल, हावड़ा वगैरह सब जगह जा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यही जो पूना से दौंड़ की ओर जो ट्रेन जाती है, हमारी आती है, वो जो है कि अहमदनगर बेलापुर होते हुए दौंड़ चोड़ लाइन से होते हुए ये पूना की ओर ट्रेन जाती है। तो भाई हमारी ट्रेन है ना 4:16 पर मनमाड़ से चल गई है। वैसे तो यहाँ से पुणे तक का जो रनिंग टाइम है वो 6 घंटे का है। तो भाई जो सीधी लाइन है वो चली जाती है मुंबई की ओर। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई कोपरगांव, जिसका कोड है KPG। और यहाँ पे कुल 2 प्लेटफार्म है। यहाँ से अगर आपको सीढ़ी जाना है तो आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। फिलहाल तो इस ट्रेन के यहाँ पहुँचने का समय है 12:17 पे और 3 मिनट का स्टॉप है, 12:20 पे छूटती है। लेकिन इस समय हमारी ट्रेन 5 बजे पहुँची है। भाई मनमाड़ से हमारी ट्रेन चली थी 4:30, इस समय 5 बज रहा है, तो उस हिसाब से तो 5:30, 10:30, 11 बजे के आसपास पहुंचना चाहिए।
जा रहा है। अजय है तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई बेलापुर, जिसका कोड है BAP। और इस ट्रेन के यहाँ पहुंचने का जो समय है वो है 1:05 पे, 2 मिनट रुकती है, 1:07 पे चल देती है। तो भाई हमारी ट्रेन 6:18 पर बेलापुर से चल पड़ी है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई अहमदनगर, जिसका कोड है ANG। और दोस्तों यहाँ पे कुल 2 प्लेटफार्म हैं, और इसके अलावा ये जो अहमदनगर है वो सेंट्रल रेलवे के जोन में आता है, डिवीज़न है इसका सोलापुर। यहाँ से दोस्तों एक रेलवे लाइन जाती है परली बैजनाथ साईनगर सिटी को, और दूसरा मनमाड़ दौंड रेलवे लाइन है। चलिए ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई दौंड कार लाइन। जी हाँ, ये कार लाइन सर जिसका कोड है DDCC। दोस्तों यहाँ पे एक प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म को बनाया गया था सन 2020 में। ये जो ब्रांच लाइन है मनमाड़ दौंड ब्रांच लाइन, और मेन पूना मुंबई पूना चेन्नई लाइन, मुंबई पूना चेन्नई लाइन को ये कार लाइन लगभग 300-400 मीटर की दूरी में ये इसको जोड़ता है, जिससे कि जो पहले गाड़ियाँ आती थी पूना जाने के लिए तो पहले दौंड स्टेशन पे जाती थी, फिर उनका लोको रिवर्सल हुआ करता था, इस तरह से समय बहुत लगता था। बाद में इस कार लाइन को थोड़े से 400 मीटर लाइन को से जोड़ दिया गया, जिससे कि समय बच गया और ट्रेनें सीधा पूना निकल जाती हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 घंटे लेट पहुँची है। तो भाई हमारी ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से 9:05 पर। बाप रे, तो कैसे भाई, ठंडी वंडी नहीं लग रही क्या? ओस में बड़े आराम से सोए हैं, हाँ शाम में लेटना चाहिए ना। तो भाई ये है उरली। इस ट्रेन के यहाँ पहुँचने का जो समय है ना वो शाम को 4:14 पर है। देख रहे हैं ना, पूरी ट्रेन खाली हो गई।
कुरली। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई पुणे जंक्शन रात को 10:43 और इसके यहाँ पहुंचने का जो समय है वो है शाम के 4:55 पहुंची है 10:43 पर, यानी लगभग 5.5 घंटे लेट। तो दोस्तों हमारी जो यात्रा है ना वो यहीं समाप्त होती है पुणे स्टेशन में। कुल 6 प्लेटफार्म हैं, यहाँ से ये ट्रेन चली जाएगी वास्को डी गामा, फिलहाल बेलगांव तक ये ट्रेन आ गया और इसका अब होगा यहाँ पे लोको रिवर्सल। यहाँ से दोस्तों पुणे से नीरज सांगली सतारा होते हुए ये मड़गांव की ओर जाती है और यहाँ से आपको मुंबई के लिए और फिर मुंबई चेन्नई की ओर भी रेलवे लाइन जाती है, आपको ट्रेनें मिल जाएँ। तो कुल मिलाकर करके दोस्तों हमारी जो यात्रा है ना ठीक ठाक रही और ठंड रास्ते में काफ़ी कुछ रही है। यहाँ पे प्लेटफार्मों की संख्या कुल 6 है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं अपने अगले किसी ब्लॉग में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।